13 अप्रैल 1986 को जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयास से जन्नत रूपी शिक्षण संस्थान का उदय हुआ, जिसमें ना कोई जात है ना कोई धर्म, और सभी एक समान एक ही छत के नीचे रहना खाना सोना और पठन पाठन करते हैं। नवोदय सिर्फ एक विद्यालय नहीं, ये उस जन्नत का नाम है जहां हमने अपने जीवन के सबसे बेहतरीन साल गुजारे हैं। ज्ञान आचरण संस्कार और सपनों को साकार करने की सीख हरियाणा के झज्जर और महाराष्ट्र के अमरावती से शुरू हुआ। शिक्षा का सफर बच्चों को सिखाते सिखाते 594 के संस्थान तक पहुंच गया। ये उस धागे और अटूट स्नेह बंधन का नाम है जो हमें दिल से एक साथ जोड़ता है, क्योंकि नवोदय से ही हम नवोदयन है। ये उस बेजोड़ संस्था का नाम है जिसने न केवल हमें शिक्षित कर हमारा चहुमुखी विकास किया, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाया। इसलिए आज हम सब जो भी है जहां भी है उसका श्रेय नवोदय को जाता है। हम नवयुग की नई भारती नई आरती, हम स्वराज के ऋचा नवल, भारत की नवलय हो। नव सूर्योदय नव चंद्रोदय हम ही नवोदय हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टीवी, मैं अखिलेश रांची झारखंड से। आज हम आए हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय मेसरा रांची में। आप देख सकते हैं कि पीछे में जो है जवाहर नवोदय विद्यालय कैंपस रांची का जो है ऑफिस दिख रहा है। आइए यहाँ के प्रिंसिपल सर से मिलते हैं, वाइस प्रिंसिपल से मिलते हैं, कुछ एलुमनी हैं उनसे मिलते हैं, बात करते हैं कि नवोदय दिवस के ऊपर क्या सोचते हैं, आगे का क्या प्लान करते हैं। आइए बात करते हैं इन लोगों से। NEP 1986 के तहत एक नई पहल थी जिसमें खास करके ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों के लिए क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था की गई। इसी सोच पर ये पहल की गई थी नवोदय विद्यालय। और आज के डेट में जब हम पीछे मुड़ देखते हैं और आज की उपलब्धि नवोदय की देखते हैं, तो लगता है कि ये वास्तव में एक क्रांति थी और इस क्रांति ने परिवर्तन भी लाया है। हम आए हुए हैं नवोदय विद्यालय रांची में, जहाँ पर यहाँ के वाइस प्रिंसिपल सर दिलीप कुमार साहू सर हैं। सर, आपका नवोदय दिवस की बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी हमारे पूरे परिवार के तरफ से और हमारे पूरे बच्चे को भी इस नवोदय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग क्या संदेश देना चाहेंगे जो नवोदय विद्यालय से जुड़े हुए या पास आउट हैं उसको? मैं तो हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं उनका भविष्य उज्ज्वल हो और वो अच्छा नागरिक बने। मैं यहाँ 92 में ज्वाइन की हूँ नवोदय विद्यालय में, और नवोदय विद्यालय एक अच्छा विद्यालय है जहाँ की गरीब बच्चे जिसका जो है मतलब ये निखरता नहीं है, उसके अंदर जो प्रतिभा है वो निखरता नहीं है, जो बच्चे यहाँ आने के बाद उनका निखर जाता है। मतलब एकदम गरीब बच्चे हैं, जैसे कि हमारे एक हेड कुक हैं यहाँ, हेड कुक नहीं कहिए बल्कि पहले पार्ट टाइम में थे, उनकी बेटी का हो गया IIT में। नवोदय विद्यालय के आज का जो दिन है ये बहुत खास दिन है। एक शुरुआत की गई नवोदय विद्यालय ऐसे लोगों पे काम करने के लिए जो गांव देहात या बहुत टैलेंटेड है लेकिन उनको जगह नहीं मिल पा रहा है कि हम कैसे आगे पढ़ाई करें। तो नवोदय विद्यालय एक बहुत बेहतरीन शुरुआत है। और जब मैं यहाँ पढ़ा, बहुत साल हो गए यहाँ से निकले हुए, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि जब मैं नवोदय विद्यालय में आया था तो नवोदय विद्यालय आज मुझे लगता है कि मेरे लिए एक अवार्ड से कम नहीं था यहाँ पर आना। और अभी भी यहाँ की यादें जो हैं बहुत जुड़ी हुई है। यही चाहेंगे कि जो भी नवोदय स्कूल से पास आउट हैं, अलग अलग जगह में लोग काम करते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम लोग समाज के प्रति भी थोड़ा जागरूक हों और समाज में नया कुछ करने का प्रयास करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नवोदय दिवस, नवोदय का हमारा ये स्लोगन रहा है हमेशा से, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। अगर यही पालन अगर हम कर सकते हैं नवोदय दिवस के अवसर पर, अगर इसी का संकल्प हम अगर ले सकते हैं, तो इससे बड़ा और कुछ योगदान नहीं हो सकता। नवोदय दिवस के अवसर पर हम लोग बस इतना चाह रहे हैं कि हम लोग सब नवोदय एक जगह पे आए और जो नवोदय जो हम लोगों को सिखा के गया है, जो सीखने का अवसर मिला हम लोगों को नवोदय में, उस शिक्षा को पूरे मतलब समाज में फैलाएं और एक सबको मतलब एक मेन मुख्य धारा से जोड़े और जो राज्य में जो भी समस्याएं हैं उनको मिलके एक साथ निपटारा किया जाए। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं कितना
कष्ट सहकर पैदल चलकर मोड़ से उतरकर, कुछ रिक्शा उक्शा नहीं मिलता था तो भी जाती थी मिलने आभास से। अच्छा। और आज वो बच्चा पढ़ लिख कर हर क्षेत्र में BDO, CEO, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS सब बन परचम लहरा रहा है, सब क्षेत्र में परचम लहरा रहा है। नवोदय, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमने जो नवोदय से पाया है अब हमारी वापस समाज को देने की बारी है, तो मैं नवोदय दिवस पे अपने समस्त नवोदय भाइयों को, अपने समस्त देशवासियों को, सबको एक ही बात बोलूँगा कि हमें जो मिलता है उसे हम वापस समाज को देते रहें। लोगों से बातचीत की, नवोदय दिवस की शुभकामना दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय की शुरुआत 1986 में हुई थी और आज नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए छात्र जो हैं वो भारत तो कहिए ही, भारत के अलावा भी कई देशों में अपना परचम लहरा रहे हैं। भारत के कई कोने में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिस क्षेत्र में अपनी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। कोई प्रशासनिक क्षेत्र में है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में है, कोई बिजनेस में है। तो इस तरह से देखा जाए तो नवोदय एक शक्ति है। आइए इस शक्ति से जुड़कर समाज में बदलाव करें। इसी तरह खबर को देखते रहिए। नमस्कार।